हेलो पीपल एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। और अभी मैं चला रहा हूँ द 2020 Hyundai Tucson facelift। अब ये गाड़ी काफ़ी समय पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, बट थैंक्स टू COVID-19 एंड द पैंडमिक एंड द लॉकडाउन वी आर ड्राइविंग इट नाउ इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। अब ये Hyundai की Tucson आप एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ भी खरीद सकते हो एंड यू ऑल्सो गेट अ डीजल इंजन ऑप्शन हियर इन द इंडियन मार्केट। द वेरिएंट दैट आई एम ड्राइविंग टुडे इज द डीजल ऑटोमेटिक विथ फोर व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ड्राइविंग डायनामिक्स, द राइड एंड हैंडलिंग एंड द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ दिस Hyundai Tucson फॉर 2020। अब ये जो Hyundai की Tucson है, द वेरिएंट दैट आई एम ड्राइविंग राइट नाउ, it comes powered with a 2 liter 4 cylinder turbocharged diesel motor with a EVGT। ye motor jo hai 185 ps ki power yani ki 185 ps ki power produce karti hai and you get 40.8 kgm of torque। aur is variant ke sath aapko sirf ek 8 speed automatic gearbox hi mil jata hai। agar aap iska petrol variant khareed lete ho, that 2 liter engine with a 4 cylinder setup produces 152 ps of power and 19.6 kgm of torque with a 6-speed automatic। तो अगर आपको ये Hyundai की Tucson खरीदनी है, the diesel engine is a lot more torquey and also अगर आपको 4-wheel drive capability चाहिए, only the diesel variant has that। You do not get that in the petrol variant। इसमें आपको H-Track, HTRAC ये जो feature मिल रहा है, that is going to offer you off-road abilities। Now let's very quickly talk about the four-wheel drive hardware जो आपको इस गाड़ी के साथ मिल रहा है। You get four-wheel drive lock on the differential if at times you need it, and you also get advanced traction cornering control। And this Hyundai Tucson is not just a showpiece। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप काफी पथरीले रास्तों पे से इसको काफी आसानी से चला पाओगे। There is going to be absolutely no problem of ground clearance। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ किसी ट्रेल पे एक ड्राइव पे निकल जाना चाहते हो, दिस Tucson इज गोइंग टू बी केपेबल इनफ। ये गाड़ी जो है आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली खराब रास्तों पे से तेज़ भी चला पाओगे, एंड व्हेन बीइंग ऑन द ड्राइवर सीट इवन एट द लोएस्ट सीट हाइट आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी भी मिल जाती है, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू स्केयर यू। ऑन रियली बैड रोड्स आपको इस गाड़ी में काफ़ी डिसेंट राइड क्वालिटी भी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफ रोडिंग करते समय दिस कार इज गोइंग टू बी रियली रियली अनकंफर्टेबल। तो अगर आप मुझे पूछोगे क्या ये Tucson ऑफ रोड फ्रेंडली है, आई वुड गिव इट अ बिग थम्स अप। नाउ राइट ऑफ द बैट जब आप इस गाड़ी में बैठते हो, द प्राइमरी पॉइंट व्हिच इज द बेस्ट इन एनी Hyundai कार दैट यू कैन बाय हियर इन द इंडियन मार्केट इज द NVH पैकेज। अभी मेरे पास इस गाड़ी का डीजल वेरिएंट है एंड द इंजन इज सो स्मूथ, इट इज सो क्वाइट, इट इज सो एफर्टलेस दैट आई एब्सोल्युटली कैन नॉट हियर द डीजल इंजन क्लैटर इनसाइड द कैबिन ऑफ दिस Tucson। अभी मैं क्रूज कर रहा हूँ एट 80 किलोमीटर्स पर आवर, द इंजन RPM इज जस्ट अ लिटिल शाई ऑफ 1500 RPM एंड एब्सोल्युटली नो इंजन नॉइज एट ऑल। जब आप एक स्टैंड स्टिल पे भी इस गाड़ी को शुरू कर देते हो, यू विल रियली हैव टू यू नो लिसन वेरी केयरफुली टू मेक आउट दैट दिस इज अ डीजल पावर्ड व्हीकल। अगर आप इस गाड़ी में अपने फ्रेंड्स या फैमिली को लेके एक सफर पे निकलना चाहते हो, दे विल नॉट रियली मेक आउट दैट यू हैव बॉट अ डीजल पावर्ड कार, द इंजन इज जस्ट दैट रिफाइंड। एंड ऑल्सो एट अ स्टैंड स्टिल आपको किसी भी प्रकार के वाइब्रेशंस जो हैं वो फील नहीं होने वाले हैं, सो यू विल रियली लाइक द ओवरऑल पैकेज दैट दिस कार इज ऑफरिंग यू इन टर्म्स ऑफ NVH। अगर NVH की बात कर ही रहे हैं, राइट नाउ एट 80 किलोमीटर पर आवर आउट ऑन द मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वी आर ड्राइविंग ऑन अ कॉन्क्रीट पीस ऑफ रोड, द टायर रोलिंग नॉइज इज नॉट एट ऑल अनकंफर्टेबल, ज्यादा आपको कैबिन में सुनाई नहीं देता है। बाय बिग टायर स्टैंडर्ड्स रोलिंग ऑन अ कॉन्क्रीट पैच द टायर नॉइज इज वेरी वेल कंट्रोल्ड, और 80 के स्पीड पे विंड नॉइज जो है वो आपको कैबिन में बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। यू कांट रियली मेक आउट टू मच ऑफ विंड बफेटिंग एज वेल, सो दैट इज अ जॉब वेल डन बाय Hyundai इन देयर टिपिकल फैशन व्हिच दे गेट राइट ऑलमोस्ट इन एवरी अदर कार दैट दे सेल हियर इन द इंडियन मार्केट। नाउ सिंस दिस इज एन SUV, लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल ड्राइवर फील, द कॉकपिट व्यू।
सो मैं बैठा हूँ एट द लोएस्ट सीट हाइट, मेरी हाइट है 5 feet 8 inches, दिस इज द अमाउंट ऑफ हेडरूम दैट आई गेट, और काफी कमांडिंग ड्राइविंग सीट पोजिशन है। एट द लोएस्ट सीट हाइट भी मैं बॉनेट की जो शर्ट लाइन है उसे काफी आसानी से देख पा रहा हूँ, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर मी टू गेज एंड मैनूवर दिस कार इन सिटी ट्रैफिक एज वेल। विंग मिरर जो है वो भी काफी बड़े हैं, सो आई हैव अ गुड व्यू ऑफ व्हाट इज अप्रोचिंग मी फ्रॉम बिहाइंड एंड आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। ये जो इलेक्ट्रोक्रोमिक रेयर व्यू मिरर है फॉर योर कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस स्पेशली व्हेन यू आर ड्राइविंग इट एट नाइट, दिस ऑल्सो कम्प्लीटली कवर्स अप द रेयर विंडस्क्रीन एरिया, तो विजिबिलिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। दिस Hyundai Tucson, by the way, doesn't get the DRVM function, जो हम अभी even in the Grand I10 Nios देख लेते हैं, which is their camera feed even when you are driving, and that allows you to have a look at what is behind you here on the screen. So that is a miss, I guess, in this car, which is a lot more expensive. But then that is more of a gimmick. I am not someone who really prefers that DRVM. तो refinement की तो हमने बात कर ली है. This car starts from close to 22 lakh rupees, goes all the way up to 27 lakh rupees ex showroom. तो ये गाड़ी जो है, it is not cheap by any means. It is an expensive SUV. लेकिन is this fast? Is this going to quench your need for speed? This Hyundai Tucson, by the way, comes with 3 driving modes. आपको एक बटन यहाँ पे दिया गया है behind this gear selector, और इसे प्रेस करते ही you can toggle between comfort, eco and sport mode. By default, गाड़ी जो है comfort mode में शुरू हो जाती है. I am going to slot it right now in sport mode. Sport mode जब आप engage कर देते हो, आपको MID पे थोड़े बहुत red accents देखने मिल जाते हैं. There is no other change which you see in this infotainment or anything like that. यहाँ पे आपको टिप्ट्रॉनिक मोड भी दिया गया है. यू डू नॉट गेट एनी पैडल शिफ्ट्स, यू कैन टेक मैनुअल कंट्रोल्स इफ यू विश फ्रॉम दिस गियर सिलेक्टर. बट नाउ आई एम गोइंग टू चेक आउट इफ दिस Hyundai Tucson इज फास्ट इनफ, क्योंकि ये गाड़ी जो है, ऑफ कोर्स अगर आप इसका टॉप ट्रिम खरीदते हो, इज गोइंग टू कॉस्ट यू वेल ओवर 30 lakh rupees हियर इन आवर मार्केट. सो इन 3, 2, 1 आई एम नाउ गोइंग टू गिव इट अ फुल पेडल टू द मेटल. कीप लिसनिंग टू द इंजन. Engine revs well over 4,500 RPM. Fast gear shifts, seamless gear shifts. Absolutely no head nod. Jerkiness आपको बिल्कुल भी feel नहीं होगा. And this Hyundai Tucson, by SUV standards, is a fast car. You can listen to the constant beeping sound. So you obviously know that I am on triple digit speeds. I'm not going to shout out the speed that I was driving at, but it stays nice and flat, glued to the tarmac, so you will like it. एक और चीज जो आपने नोट करनी है जब आप ये Hyundai Tucson खरीदते हो, इट कम्स विद फोर व्हील ड्राइव कैपेबिलिटीज, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम आपको इस गाड़ी में मिल रहा है. दिस कार डज हैव टॉर्क ऑन डिमांड. तो अगर आप एक स्टैंड स्टिल से इस गाड़ी में फुल पेडल टू द मेटल ड्राइव करना चाहते हो, द कार इज गोइंग टू डिलीवर सम अमाउंट ऑफ पावर टू द रेयर व्हील्स एज वेल, एंड यू विल बी एबल टू सी दैट इन द MID. तो MID में जो आपको एच ट्रैक का डिस्प्ले दिया गया है, यू विल सी दैट ओवर देयर द रेयर व्हील्स आर ऑल्सो गेटिंग सम अमाउंट ऑफ पावर दैट इज गोइंग टू गिव यू ऑप्टिमम ट्रैक्शन, एंड हेंस यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल फ्रॉम दिस इंजन एंड गियरबॉक्स. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल लाइक, एंड इट इज सो स्मार्ट कि आपको ये ट्रांजिशन जो है वो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है, एंड यू डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग टू टेक कंट्रोल ओवर दैट. द कार डज दैट नाइसली एंड स्मार्टली. Now very quickly let's also touch base on the mileage bit. आज हम इसे लगभग 1.5 घंटे से चला रहे हैं, and the mileage figure that we have got is 13.1 kmpl. इस समय हमने इस गाड़ी को सिटी में चलाया है, and right now we are driving out on the highway. So a combined mileage figure of 13 kmpl is very very good. अभी जब हम long distance highway cruising करेंगे, I think that this engine and gearbox will easily deliver well over 15 kmpl, क्योंकि आपको एक 8-speed gearbox मिल रहा है. It is going to so effortlessly cruise out on the highway even on triple digit speeds that mileage is not at all going to be a huge concern. अगर आप ये Hyundai की Tucson लेके city में चलाते हो, अगर आप इसे अपने daily commutes के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, even at that time I think that this engine and gearbox is going to deliver you close to 10 to 12 kmpl, and that is quite respectable for a car of this size. And while doing all of that, the engine is just so refined, you are going to really appreciate it. Now this is a front wheel drive car by default. Aap
एच ट्रैक का जो डिस्प्ले है उसमें देख सकते हो. प्राइमरीली द फ्रंट व्हील्स आर पावर्ड ऑल द टाइम टिल द टाइम यू नो गिव द एक्सेलरेटर पेडल अ नाइस किक डाउन. लेकिन जब आप पूरी तरीके से किक डाउन दे देते हो, अगर आप फुल पेडल टू द मेटल गाड़ी चला भी लेते हो, यू डोंट रियली फील टू मच ऑफ टॉर्क स्टीयर एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग फॉर दिस टूसॉन फेसलिफ्ट एंड दिस makes the car a little bit of an engaging car for the driver. It is not at all typical of an SUV which, you know, just bounces around all over the place. And since we are talking about that, let's also talk about ride quality. Abhi to hum ise ek highway pe chala rahe hain. The roads are nice and flat. But a while ago, we were driving it inside the city. Ride quality jo hai, wo kafi absorbent hai aur aapko koi bhi dikkat nahi hone wali hai in terms of your comfort. You will be very, very happy inside the Tucson. I really like the suspension. It handles the broken Indian patches very well. Thode bahut jhatke aapko shayad feel honge agar aap thodi zyada speed carry kar lete ho. But over the nasty Indian speed breakers, even on the biggest of speed breakers, aapko ground clearance ki takleef nahi hone wali hai. When you're driving over uneven roads, ya agar aap kachi sadkon pe se bhi is gaadi ko chala lete ho, I don't think are going to face any kind of problems in terms of comfort. So I think that this Hyundai Tucson is a very good package for your city driving requirements and even on your weekend trips when you want to go that extra mile, when you want to go that much further into the distance and off the road because you are getting that four-wheel drive capability. So I think this is the right mix and this is the right size as well. And also, because this is a monocoque construction, ये गाड़ी जो है इसकी handling काफी बेहतर है. Check this out. When I'm driving it out on the highway, I'm right now driving it at 80 kilometers per hour. And if at times I want to make a sudden lane change, this car feels very nice and sharp. And for a Hyundai, the steering wheel is also quite respectable and quite responsive. Check this out. If I want to make fast-paced overtakes, and if I want to make really sharp lane changes. This car maintains its line very nicely. You get vehicle stability control, vehicle stability management and a plethora of other safety features as well which help you keep the car in your control. तो आपको ये गाड़ी घाट रोड्स में चलाते वक्त, ट्विस्टी रोड्स में चलाते वक्त भी काफी मजा आने वाला है and you will feel that at times this Hyundai Tucson can go that much deeper into the corner. अभी जरूर आपको इस चीज का ध्यान रखना है that this is a tall car, this is an SUV, तो आपको थोड़ा बहुत बॉडी रोल कभी-कभी शायद महसूस हो सकता है. These SUVs are not really corner covers. Their center of gravity is on the higher side. So you have to keep that in your mind when you're pushing them hard on corners, on twisty roads. So we have talked about the basics. Let's talk about the engaging bit. इस गाड़ी में आपको जो Tiptronic function मिल रहा है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं. So I have still kept the car in sport mode. Now I am going to slot it in Tiptronic mode. You have to push the gear selector to the right hand side. Right now I am in 6th gear and close to 80 kilometers per hour. I can manually upshift to 7th gear at 80 kilometers per hour, but I can't really go to 8th. To reach the 8th gear, I have to be over 90 kilometers per hour. That is what I can see on the system. Now I'm going to release the accelerator pedal and let the car decelerate. So still in 8th gear, I am dropping under 90 kilometers per hour right now and even a little above 80 it is still trying to stay in the 8th gear but the engine RPM in this situation is close to 1250 RPM so not really ideal and now the car has dropped to the 7th gear. Now I'm going to take manual controls dropping the gears. So right now I'm in the 3rd gear and the speed is close to 60 kilometers per hour. Let's check out the roll on acceleration. Main ek full kick down dene wala hoon to the pedal. And the throttle response is nice and sharp, already over 90 kilometers per hour in third gear itself. The engine revs over 4000 RPM and even when you take manual controls, the car will upshift if you keep the throttle pedal completely pressed. So aisa zaruri nahi hai ki aapko manually hi changes karne honge on this gear console. But when you release the accelerator pedal, the car will try to hold on to that particular gear from that particular instance when you left the throttle pedal so that you stay in that particular gear just in case if you want that extra bit of performance, if you want to still continue picking up pace. So this Hyundai Tucson as your family car and also as your highway mile muncher is going to perform just right, is going to satisfy you and keep you happy behind the wheel. Also, when you have selected Tiptronic mode, aap tabhi bhi drive mode jo hai unhe change kar sakte ho. So right now I am in sport, I'm going to slot it now to eco. And when I am in eco mode,
If I want to upshift, I can upshift to 7th gear till 80 km per hour. But to move to the 8th gear, I have to be well over 80 km per hour. उसके पहले आप 8th gear जो है वो engage नहीं कर पाओगे. I really wish paddle shifts भी दिए जाने चाहिए थे in this car because it is decently engaging as per SUV standards. Now as per 2020 standards, मुझे दो चीजें missing लग रही हैं in the Hyundai Tucson. First, you do not get ventilated seats. You get that even in the Hyundai Verna, even in the Hyundai Venue. So this Hyundai Tucson definitely is begging for that feature. Also, ये गाड़ी इतनी महंगी है, अभी at that particular price tag, काफी सारी गाड़ियां जो हैं आपको full digital speedometer cluster offer कर रहे हैं. And while the MID is very easy to read and it has a few color accents, all of this looks a little plain Jane. Now I am a sucker for old school. मुझे ये conventional needles जरूर पसंद आते हैं. But now I am spoiled by the options that I have with the different cars that I have driven, and I would have really liked if the Hyundai Tucson offered a full digital speedometer cluster. The Hyundai Verna has it, and the upcoming i20 is also going to have it. So this is going to feel a little too old school in this expensive car. The steering wheel feels nice to hold on to. It has thumb contours as well. Sare buttons jo hain yahan pe jo diye gaye hain, they are very easy to use. Buttons are of top quality. Aapko kahin pe bhi Hyundai ne koi cheap plastic use kiya hai aisa mehsoos nahi hone wala hai. Hyundai does a fantastic job in the packaging department, and their cars are probably the best in each and every segment where they are placed right now. So you will have no complaints from this Hyundai Tucson in terms of quality. Aur bhale aapke paas ventilated seats nahi hain is Hyundai Tucson mein, the AC is still doing a fantastic job. Even with this massive glass sunroof over here, the cabin is very nicely cooled. We have set the AC temperature at 22, so not really at the lowest setting, but still I am very comfortable, and my colleague in the back seat is also very happy. Of course, rare AC vents bhi aapko is gaadi mein mil jate hain. Ab braking ke department mein bhi ye Hyundai ki Tucson jo hai, it gives you nice amount of confidence. Whenever you want to, you know, tap the brakes, they have a nice feel to it, and ज्यादा प्ले नहीं है, ज्यादा आपको ब्रेक पेडल जो है वो प्रेस नहीं करना पड़ता है टू ब्रिंग द कार टू अ स्टैंडस्टिल. सो दैट इज आल्सो समथिंग दैट यू आर गोइंग टू लाइक. एंड द ब्रेक बाइट एंड ब्रेक फील एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ दिस Hyundai Tucson इज आल्सो एक्सेप्टेबल एज पर एसयूवी स्टैंडर्ड्स. तो ज्यादा खामियां नहीं है इस गाड़ी में. दिस इज अ गुड कार. इट डजंट रियली हैव टू मेनी वाओ फीचर्स एज पर 2020 स्टैंडर्ड्स एज पर अ फ्यू अदर कार्स व्हिच आर यू नो ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, ग्रैब योर अटेंशन. So in that sense, this Hyundai Tucson could have done with a little more bling, with a little more, you know, wow features. But otherwise, it does all the basics just right. अभी चलिए बात कर लेते हैं इस Hyundai Tucson के winding road performance के बारे में, अगर आप इस गाड़ी को घाट roads में चलाना चाहते हो. So this Hyundai Tucson, I told you, is built around a monocoque chassis. इसमें आपको कोई body on ladder construction नहीं मिल रहा है. And because of that, by that nature, the car does feel a little more stable. But it is a tall car, and there is some amount of inherent body roll because of the higher center of gravity. But still, as per SUV standards, this Hyundai Tucson is very good in maintaining its line. और आपको उस चीज की वजह से ये गाड़ी तेज चलाते वक्त ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है. You can drive around with other sedans on the road, and you can actually drive maybe faster than what those cars can manage, because you get stability control and stability management, and all of those electronic features help you keep the car in your control. And every time when you get a chance to make those fast paced overtaking maneuvers, check this out, this Hyundai Tucson has a lot of power, it has a lot of torque, so there is a lot in its reserve, and you can simply blast past traffic even on inclines, even on ghat roads. So that is something that you are really going to like with this car. Check this out, it is so easy in maneuvering, it is so fast in responding to your inputs, and even the throttle response really complements you and the nature of the car, even in eco mode, that you will be a happy customer, you will be a happy owner in this Hyundai Tucson SUV. Check this out right now, when you want to make those sharp turns, I am close to 80 km per hour, and the Tucson does maintain its line very nicely. So for a big car, this is not bad at all. Of course, this is not really
a corner carving machine. This is not really meant to be driven like that. But when you get a chance, check this out. I have a Jeep Compass next to me. I have a Mercedes GLE next to me. I'm on the outside line, but this car can really hold on to the line, can really allow you to push that much further. And the steering wheel, by the way, was demanding that I could go that little bit more deeper and, you know, have a better exit from that corner. So this car does a good job in keeping the driver in you happy. So comments mein mujhe bataiye kya lagta hai aapko about this Hyundai Tucson facelift. Do you think that this SUV now in 2020 makes sense for your family car requirements, for your chauffeur driven car requirements, or just as an SUV if you just want that extra real estate on wheels? I really like it, and I think it is a well balanced product. Even in the dynamics department, I have absolutely no complaints. So till next time, subscribe to the Shifting Gears channel. If you have any other queries, do let me know, do ask me. I will be more than happy to help you. Press the bell icon. Always drive safe. Try to always have both your hands on the steering wheel. When you drive with both your hands on the steering wheel, you are going to get more confidence while you are cornering, especially like this that I'm doing right now. And see you soon.